Hey guys, how's the Josh? मैं हूँ चेतन from Gaming Josh. ये है Realme GT Neo और इस स्मार्टफोन में हमने ऑलरेडी इसका गेमिंग रिव्यू तो कर दिया था बट एज यूजल मेरा जो प्रोसेस होता है आई डू अ सेपरेट वीडियो ऑन द जायरोस्कोप क्योंकि जायरोस्कोप प्लेयर मैं हूँ नहीं बट जितना हो सके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तो इस वीडियो में आपको मैं दिखा दूंगा इसका जायरोस्कोप परफॉर्मेंस कैसा है और आपको एक अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि जायरोस्कोप कैसा चलता है इसका एंड यहाँ पर ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगा कि जायरोस्कोप सही चलेगा बिकॉज ये काफ़ी एक अच्छा फ़ोन है फ्लैगशिप डिवाइस है जिसमें कंपनी अच्छे से देगी मतलब जायरोस्कोप का सपोर्ट और उसके साथ साथ एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बेस हार्डवेयर का एक कॉम्बिनेशन रहेगा. लेट मी नाउ गो टू अ सिक्योर्ड स्पॉट जहाँ पर आराम से बैठ के मैं स्प्रे करके देख पाऊँ कि कैसा जायरोस्कोप का परफॉर्मेंस है. और भाई एक तो ट्रेनिंग ग्राउंड में जा नहीं पाया मैं जल्दी से और चेयर पार्क घुसने के बाद सब लूटने के बाद रियलाइज हुआ कि चेयर पार्क में भसड़ होती है लोगों की. भाई कोई मतलब जानबूझ के स्प्रे मारते रहते हैं मतलब मैं भी वही करता हूँ बट ठीक है. वी आर हियर जहाँ पर हमें आना था अब यहाँ से हम सब कुछ आपको दिखाएंगे. ये देखिए सो राइट नाउ वी आर ऑन नो जायरोस्कोप बट इसको ऑफ करते हैं हम ऑलवेज ऑन. सेंसिटिविटी में जाके अगर आप मैं दिखाऊँ आपको मैं तो एवरीथिंग इज़ ऑन 400. तो ये चारों मेन चीज़ें जो है रेड डॉट 100% नोस्कोप 3x एंड 6x सब कुछ 400 पर है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. ये देखिए यहाँ पर देर इज़ ऑलमोस्ट नो डिले बहुत ही मतलब क्विक जायरोस्कोप है इसका. और अगर मैं इसका ये भी खोलूँ स्कोप भी खोलूँ तो वैसे ही रहेगा. और यहाँ पर आके हम देखते हैं ये वाला 6x है अभी इसको हम 3x करते हैं एंड अगर इसको स्प्रे करना हो हमें यहाँ से देखिए ये 3 ये जो स्मूथ स्प्रे है वो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द गुड जायरोस्कोप दैट इज गिवन हियर. इट्स क्लोज टू पिन पॉइंट एक्यूरेसी क्योंकि मतलब अच्छा चल रहा है जायरोस्कोप. और ये देखिए इसका ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट सब कुछ काफ़ी सही चल रहा है. तो फिर से एक बार एक स्प्रे मार के देखते हैं यहाँ से गाड़ियों तक का अगर कुछ होता है तो हमारे से. ये देखिए इट वॉज दिस स्मूथ यहाँ देख सकते हो बहुत ही सही चल रहा है सब कुछ. एंड गाइस जायरोस्कोप कंट्रोल तो बनने के ऊपर रहता भी है और सिर्फ फ़ोन पे डिपेंडेंट नहीं रहता. आप कितना कंट्रोल कर सकते हो उसको आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से भी रहता है. बट ये मैक्सिमम सेंसिटिविटी पे मैं इसलिए रख के आपको दिखा रहा हूँ ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए यहाँ से. तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक पत्थर पर बंदा है और हमें उसको मारना है. और इसी को मैं 6x को फुल करता हूँ इस बार फुल करके भी देखते हैं. तो जिस हम फुल 6x अब इसको करने की कोशिश करते हैं स्प्रे. इसको करते हैं 3x एंड थोड़ा सा सेंसिटिविटी अगर मैं कम कर दूँ इसका लेट्स कीप इट एट अरे भाई 2x नहीं 3x का करते हैं 233 के आसपास. एंड अब इसको फिर से स्प्रे करने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम तो आई वुड से फॉर अ क्विक डेमो दिस वॉज जस्ट अ क्विक डेमो. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जायरोस्कोप तो बहुत ही मस्त चलता है रियलमी GT Neo का एंड देयर नो इश्यूज एट ऑल. बहुत ही देखिए खतरनाक मतलब काफ़ी ईजी टू स्प्रे एंड ईजी टू फायर काइंड ऑफ यहाँ पर एक सीन है. और ये देखिए जायरोस्कोप नई चीज़ को आता चलाना उसका सीन ऐसा होता है जहाँ पर आप नहीं कर पाते स्प्रे. और ये लेफ्ट राइट का भी मूवमेंट जो है वो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है. Thank you.
So that's it guys, this was a quick demo of the gyroscope on the Realme GT Neo smartphone. मैं तो कहूँगा काफ़ी स्मूथ था, काफ़ी अच्छा था और कोई दिक्कत की बात नहीं इसके gyroscope में. If you are someone who's into some heavy gaming and even on rank push या even competitive, जहाँ पर आप gyroscope बहुत चलाते हैं, then I would say वहाँ पर ये smartphone काफ़ी help कर पाएगा. अगर आप gyroscope के बारे में पूछ रहे हो तो परफॉर्मेंस का वैसे भी अलग से आप वीडियो देख लेना, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा है इसका परफॉर्मेंस. यहाँ पर इतना ही गाइज, ये था एक डेमो ऑफ द gyroscope ऑन द GT Neo स्मार्टफोन फ्रॉम Realme. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे. अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो पर लाइक करना भूलें, शेयर करना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए गेमिंग जोश को. कीप द जोश हाई. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.